हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे हमारे केएस एग्जाम की प्रिपरेशन की। ठीक है, दिस इज मी कुरत मलिक एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। फाइन, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई है, 10 नवम्बर आपका डेट डिसाइड किया गया है प्रिलिम्स का। ऑल्दो टेंटेटिव है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी दिन आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो जो नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके पास हैं, आपको इन महीनों में क्या करना चाहिए, इन कैसे अपने एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, जिससे ना कि आपका सिर्फ प्रिलिम्स सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप इंश्योर करो कि इनशाला आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी हो जाए। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स काफी ज्यादा क्रूशियल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में। अगर आप सिर्फ वन डायमेंशनल स्टडी करते हो, सिर्फ प्रिलिम्स आप स्टडी करते हो, तो प्रिलिम्स के रिजल्ट निकलने के बाद मेन स्टडी करना प्लस ऑप्शनल काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहना है आप रहने वाला है वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो इसको एंड तक जरूर देखें। पहले जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, फ्रेशर, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता के एस एग्जाम के बारे में, उनका मैं उनके लिए पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। जो के एस एग्जाम है आपका, ये 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। ठीक है, आपका जो स्टेज 1 है ये प्रिलिम्स बोलते हैं इसको, स्टेज 2 आपका मेंस एग्जाम है, एंड थर्ड वन इज योर इंटरव्यू। ठीक है, जो प्रिलिम्स है आपका, उसका एंड मेंस के सिलेबस में कुछ सिमिलैरिटीज ऑल्दो होती हैं, लेकिन मेंस में आपको GS1 पढ़ना होता है, GS2 पढ़ना होता है, GS3 पढ़ना होता है, एंड लास्टली आपका GS4 एथिक्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो GS1, 2, 3, 4, जो 1, 2, 3 है ये सिर्फ GS1 नहीं है, इसके अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलते हैं, GS2 के अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलते हैं, एंड GS3 के अंदर, एंड GS3 के अंदर भी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव टू कवर। फाइन, वो क्या डिटेल्स है वो आप सिलेबस से भी देख सकते हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। इफ यू वॉन्ट ए सेपरेट वीडियो स्पेसिफिकली ऑन द सिलेबस डाइसेक्शन ऑफ के एस एग्जाम, तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ, मैं उसका भी एक अलग वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, आज मेरा मकसद आपको प्रिपरेशन के लिए गाइड करना है और ना कि इसके एग्जाम के स्टेजेस के बारे में डिस्कस करना। प्रिलिम्स में आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है एग्जाम, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्किंग होती है, एंड मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, दैट मीन्स आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, आपको आंसर्स लिखने होते हैं, एंड इंटरव्यू, फिर हमें पता है इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले थोड़ा बहुत, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी रहनी चाहिए, प्री कम मेंस। देखो, अगर आप सिर्फ इस टाइम पे प्रिलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, दैट मींस आप एग्जाम को वैसे ही अप्रोच करो कि आपको एक एमसीक्यू बेस्ड छोटा सा एग्जाम देना है, तो चाहे तो आप प्रिलिम्स निकाल लो, लेकिन क्या आप मेंस में उन बच्चों के साथ बैठ पाओगे फिर जिनका मेंस पहले से प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप नहीं करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि आपको सिर्फ अभी प्रिलिम्स प्रिपेयर करना है। आई नो टाइम काफी कम है, इसीलिए मैंने वीडियो आपके लिए लाया है। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको अप्रोच करना है प्री कम मेंस, आपको इन 4 महीने में कैसे फोकस करना है। अब देखो, प्रिलिम्स कम मेंस जो है उसमें आपको वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मेंस अप्रोच से जो सब्जेक्ट प्रिलिम्स में भी आते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आप वो वाले सब्जेक्ट्स ऐसे प्रिपेयर करोगे जैसे आप मेंस प्रिपेयर कर रहे हो। दैट मीन्स उन सब्जेक्ट्स की आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर उन सब्जेक्ट से कोई आपका ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें आपको आंसर लिखना हो, यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग। अभी ऑल्दो आपका वो आंसर क्या, फ्लो कैसा है, स्ट्रक्चरिंग कैसी है, वो मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि उस टॉपिक पे यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग। आपको उस तरीके से वो एरिया जो है वो सब्जेक्ट प्रिपेयर होना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस आपके जो फैक्चुअल मेमोरी है उसकी फैक्चुअल रिटेंशन वो भी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रिलिम्स है उन टॉपिक से वो भी क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा, प्री के साथ साथ मेंस आपका ऑलमोस्ट 50%, 40-50% या 55-60% जो है, 50% मान लो, वो आपका मेंस एग्जाम से पहले ही कवर्ड होगा, आपके प्री एग्जाम से पहले ही कवर्ड होगा। ठीक है, तो आने वाले जो दो जो महीने आपको मिलेंगे, जैसे जुलाई का, अगस्त का महीना हो गया, ठीक है, फिर आपके पास सितंबर का महीना हो गया, सितंबर फुल मान लो, अगस्त फुल मान लो, अक्टूबर का पहला हफ्ता भी रख लो, उसके बाद जो लास्ट के अक्टूबर के एंड नवंबर के 5 डेज बचेंगे, उसमें सिर्फ आपको प्रिलिम्स का रिविजन करना है। लेकिन अभी आपको तैयारी कैसे करनी है थोड़ी बहुत, जिससे आपका मेन्स भी एरिया कवर्ड हो जाए जो भी सिलेबस में है, एंड प्रिलिम्स भी हो जाए।
ठीक है, अब आई नो काफी ज्यादा है सिलेबस, बट देन यू हैव साइंड अप फॉर दिस एंड यू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. दिस एग्जाम इज नो केक वॉक. ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लो एंड एक्सपेक्ट करो कि हो जाए आपका सिलेक्शन. आपको अपना एफर्ट पूरा लगाना ही है, ठीक है. ऑल्दो आपको ऐसे स्टूडेंट जरूर मिलेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा एंड वो आपको बोलेंगे कि हमने ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था तो भी हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने उतनी ज्यादा मेहनत नहीं की थी, ठीक है. लेकिन किस स्टूडेंट का ऊपर ऊपर से पढ़ना कितना प्रोडक्टिव होता है वो वैरी करता है. अगर किसी स्टूडेंट का ऊपर ऊपर से पढ़ना उसको 100 MCQ सॉल्व करवाएगा ऊपर ऊपर से पढ़ने से ही, क्योंकि उस स्टूडेंट का पोटेंशियल कैपेबिलिटी वैसी है. ऐसा कोई कोई रूल नहीं है कि आपका भी ऊपर ऊपर से पढ़ना आपको 100 MCQ सॉल्व करवाए, ठीक है. एंड आई एम कंसिडरिंग कि जो भी वीडियोज देख रहे हैं वो सारे एवरेज स्टूडेंट्स ही हैं जिनका ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है. फाइन, तो आपको क्या करना है, प्री का मेंस प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है. यू डोंट हैव एनी मच टाइम वेस्ट करने के लिए, तो यू डोंट हैव इवन 1 आवर, ठीक है. अगर आपको इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना. अब बात रही ऑप्शनल की, आप ऑप्शनल को दिन में चाहे 1 घंटा दे दो या 1.5 घंटा दे दो. गेट यूज टू योर ऑप्शनल बिफोर प्रिलिम्स. ऐसा ना हो कि प्रिलिम्स खत्म होने के बाद आपको पता चले अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है आप सिलेबस प्रिलिम्स के बाद देख रहे हो. नहीं, आपको ये नहीं करना है, ठीक है. आपको क्या करना है, आपको ऑप्शनल को थोड़ा बहुत टाइम देना है कि एटलीस्ट अगर आपका एक पेपर कोशिश करो हो जाए प्रिलिम्स से पहले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. फाइन, तो सब्जेक्ट्स देखते हैं हमें क्या क्या कवर करने हैं इसमें. प्रिलिम्स के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है. मॉडर्न हिस्ट्री आपका मेंस में भी है, आर्ट एंड कल्चर आपका मेंस में भी है, तो ये आप काफी डीपली अच्छे से स्टडी करेंगे. एंशिएंट मेडिवल जो है वो सिर्फ आपका किस में आता है, वो सिर्फ आपका प्रिलिम्स में आता है. तो ऑल्दो आपको छोड़ना नहीं है लेकिन इसके लिए आपको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है. ये चीजें जो है सिर्फ एक्चुअली आप याद करोगे तो आपका हो जाएगा. पॉलिटी में आपको कंसेप्ट समझने हैं, इन डेप्थ स्टडी करनी है, साथ में आपको प्लस फैक्ट्स वगैरह भी याद रखने हैं. सिमिलरली विद इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, ये सारी जो कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो इनको आपको वैसे पढ़ना है. साइंस यहाँ पे साइंस है, टेक नहीं है, जनरल साइंस है. मेन्स में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है. तो ये प्लस करंट अफेयर्स वो तो है ही. तो ये सारी चीजें आपको ऐसे पढ़नी है जैसे आपका प्री नहीं आपका मेंस भी हो रहा है. तो आपके मेंस के लिए भी ये एरिया कवर होना चाहिए, प्लस आपका जो फैक्चुअल मेमोरी है वो भी आपकी ज्यादा मतलब इंक्रीज होनी चाहिए कि आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाए. तो आपके जो बैच रहेगा वो प्री कम मेंस, आपका जो कोर्स रहेगा वो प्री कम मेंस रहेगा, ठीक है. मैं आपको ये भी बताऊंगी मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकती हूँ ऑप्शनल में एंड इस सब में, वो हम आगे बताएंगे. आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया हो कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है. 3 स्टेजेस भी हो गई, उसके बाद आपको प्री का मेंस प्रिपरेशन अपनी रखनी है एंड ऑप्शनल भी जो है स्टार्ट में 1 आधा घंटा 1-2 घंटे आप उसको दे दो. कोशिश करो कि आपका जो एक पेपर है एटलीस्ट पेपर ए प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है. फिर रहा ये सारे सब्जेक्ट्स, इनकी आपको ऐसे स्टडी करनी है कि आपको मेंस ओरिएंटेड भी, दैट मीन्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, प्लस आपको फैक्ट्स भी इस चीज में याद रहने चाहिए, ठीक है. अब ये देख लो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ. आई हैव डिसाइडेड कि जो प्रिलिम्स के वीडियोस हैं वो मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगी. तो हमारा जो प्रिलिम्स क्रैश कोर्स है वो यूट्यूब पे चलेगा. अब मैं देखती हूँ मैं कितना तक कंप्लीट कर पाऊंगी. मोस्ट प्रोबेबली मैं एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगी, एंशियंट प्लस मेडाइवल, ठीक है. और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमारा हो गया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. वो मैंने SSB के लिए प्रिपेयर करवाया हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटी का पार्ट, उसका भी हमारा थोड़ा बहुत जो मैंने सुपरवाइजर वालों को पढ़ाया था सुपरवाइजर एग्जाम के लिए, वो भी उसकी लिस्ट उसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉलिटी कैसा सब्जेक्ट है. तो ये सारी चीजें जो है आपके प्रिलिम्स के रिलेटेड, उसके वीडियोज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है. फिर बात होगी अब मेन्स की. मेन्स अब देख लो, मेन्स का जो मेरा कोर्स रहेगा जो मैं आपको बोलती हूँ परचेज करने के लिए, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे. मेंस का देखो तरीका क्या होता है पढ़ने का, सिलेबस में जो भी कीवर्ड है ना उसका नोट आपका बना हुआ होना चाहिए. अगर सिलेबस में है कुछ भी लिखा हो, अगर एनजीओस लिखा है सिलेबस में या सोशल इनजस्टिस लिखा है, ठीक है, ई गवर्नेंस लिखा है, तो इन सब चीजों पे जो वर्ड कीवर्ड सिलेबस में मेंशनड है आपके नोट्स जो हैं उन सारे कीवर्ड्स पे रेडी होने चाहिए. तो मैं आपको मेंस का जो हमारा मॉड्यूल रहेगा उसमें मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी, नोट्स प्रोवाइड करूंगी GS 1, 2, 3 के, ठीक है.
हर उस कीवर्ड के जो सिलेबस में मेंशन्ड है उसका नोट आपके पास होगा। फाइन, तो आप क्या कर सकते हो, अभी से अपनी जो तैयारी है आप उन नोट से कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में, ठीक है, एंड मेंस में भी। प्लस मैं आपको, जब आपका प्री हो जाएगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगी मेंस की, मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको क्वेश्चंस अलोंग विद मॉडल आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। प्लस आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जिसमें आप क्वेश्चंस भेजेंगे एंड आपको टाइमली इवैल्यूएट करके उनके आंसर्स मिल जाएंगे। बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे आपका मेन जो है वो सारा कवर हो जाएगा। फिर अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं, उसको हम वीडियो से, प्लस हमारे डाउट सॉल्विंग वीडियोस होंगे जिसमें टेस्ट सीरीज को भी डिस्कस करेंगे वीडियोस के थ्रू, डाउट सॉल्विंग वीडियोस, एंड आपके डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे वो वीडियोस। वो सारा आपको मिल जाएगा मेरी ऐप पे एंड मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। ऐप बिल्डिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी के लिए हम करंटली वेबसाइट ऑपरेट करते हैं क्योंकि ऐप बनाने में 3-4 महीने लग जाते हैं, तो वो मेरी अंडर प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 1 महीने में वो रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेन्स प्लस मैं आपको ऑप्शनल करवाती हूँ सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है उसमें आपको मैंने पेपर ए प्लस पेपर बी जो है नितिन सांगवान सर को ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब से पेपर ए जो है वो सारा देख सकते हैं एटलीस्ट अपने प्रीलिम्स से पहले। प्लस आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी इसमें, प्लस आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज एंड मॉडल आंसर्स, प्लस आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, एंड टाइमली इवेल्युएशन होगी उन टेस्ट सीरीज वगैरह की, जिससे आपका जो एक फ्लो, कोर एंड फ्लो जो है वो मेंटेन रहेगा। एंड प्लस कुछ आपको और वैल्यू एडिशन वीडियोस मिलेंगे एज पर द न्यू लेटेस्ट एडिशन ऑफ नितिन सांगवान सर, जो कि थर्ड एडिशन है, 2 वॉल्यूम्स में आती है। तो वो जो वैल्यू एडिशन वीडियोस हैं एंड वैल्यू एडिशन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये जो मेरा मॉड्यूल है पेड सोशियोलॉजी एंड जीएस का एंड सोशियोलॉजी का, ये आपके लिए तभी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस एम कर रहे हैं 2024 के लिए, या आप 2025 के लिए एम करें तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होंगी, अगर आपको ये लेनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। प्लस मेरा एनटी का कोर्स, पटवारी की टेस्ट सीरीज एंड जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज, वो भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फाइन, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मुझे कमेंट से बताएं आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, एंड कल से इंशाल्लाह हमारा जो प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स है यूट्यूब पे वो स्टार्ट हो जाएगा। टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।